नमस्कार, मैं संजय सनम आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले इस बात के लिए आपका आभार कि कुछ दिनों से मैं YouTube में अपनी वीडियो नहीं दे पा रहा था। तब बहुत सारे फोन WhatsApp में मैसेज आए जिसमें ये पूछा गया कि आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे। ये बहुत अच्छा लगा और इसका मतलब ये है कि मुझे आपके साथ निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। आज मैं जिस विषय पर आपसे जुड़ रहा हूँ वो है GST। आप भी सोच रहे होंगे कि एक कवि, पत्रकार और GST पर बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अर्थशास्त्र के हिसाब से GST पर बात नहीं कर रहा, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यापारियों से, उद्यमियों से, उद्योगपतियों से जिस तरह से हमारा जुड़ाव होता है, हम मिलते हैं और जब उनमें से अधिकांश लोगों के चेहरों पर संशयात्मक सवाल रहते हैं, चेहरे लटके दिखते हैं, तब तब ये लगता है कि GST की जो परिकल्पना समाज सरकार ने की थी कि तमाम तरह के टैक्स उनको एक दायरे में लेकर के व्यापारियों को काम करने का जो तरीका है वो आसान कर दिया जाए, जो कागजी औपचारिकताएं जितनी जटिल थी उनको कम कर दिया जाए। लेकिन लेकिन मैं हैरान हूं ये देख करके कि GST के बारे में जितना सोचा गया था कि व्यापारियों को राहत मिलेगी, उनकी मुश्किलें कम होगी, लेकिन व्यापारियों की नजरों में जो सवाल हैं और जिस तरह से उनको असमंजस की स्थिति में हम देख रहे हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे कॉरपोरेट क्षेत्र में भी और जो ट्रेडिंग करने वाले जो बड़े व्यापारी हैं उनको भी मैंने देखा कि किस तरह से वो परेशान है कि उन्होंने अपने अकाउंटेंट को तो सिर्फ वहां पर उनकी नियुक्ति कर दी है कि जहां पर भी GST के बारे में कोई सम्मेलन हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, जहां पर भी कुछ लोग GST के बारे में बताने के लिए आए, आप उनको सुने और समझे कि हमको कैसे अप्लाई करना है। ये एक माहौल देखिए आप, एक ऐसा माहौल जहां पर सरकार जिस तरह से GST को बता रही है वो बात समझ में नहीं आ रही है, और समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि सरकार भी शायद शायद क्लियर नहीं है पूरी तरह से, उनको भी कहीं ना कहीं असमंजस है, शायद इसीलिए बीच बीच में बदलाव भी हुए हैं। और एक बात और कि व्यापारी जो उनके अकाउंटेंट जो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं सुनने के लिए, GST के जो स्पेशलिस्ट आते हैं GST के बारे में बताने के लिए, जब वहां पर वे लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो भी कन्नी काट जाते हैं क्योंकि उनके पास भी उस सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार व्यापारी जगत से टैक्स ले सकती है और टैक्स लेना भी चाहिए। सरकार एक नंबर का काम करने की कोशिशें कर रही है और व्यापारियों को करना भी चाहिए। मैं सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं। आप दो नंबर का काम बंद कीजिए, बिल्कुल बंद करवाइए, लेकिन आप व्यापारियों को विश्वास में लीजिए। आप उनकी जो जटिलताएं हैं, उनकी जो उलझनें हैं, उनका सॉल्यूशन दीजिए, उनको समाधान दीजिए। आप व्यापारी से टैक्स ले सकते हैं लेकिन आप उनको टेंशन नहीं दे सकते। मैं यही कहना चाहता हूं कि व्यापारियों को टेंशन दिया जा रहा है। सूरत में कपड़ा मार्केट में जिस तरह से एक तरह से माहौल बना है अफरा तफरी का, और सुना जा रहा है कि सूरत मार्केट कई दिनों से बंद है, हमारे कोलकाता में भी 3 दिनों से हड़ताल। तो ये जो चीजें हैं, ये हड़तालें क्यों हो रही है? व्यापारी जानबूझकर नहीं कर रहा, उसको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, इसलिए वो अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर है, आंदोलन की राह पर आने के लिए मजबूर है। GST का अर्थ मैं नहीं समझता। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अर्थशास्त्री नहीं हूं, बल्कि अर्थशास्त्री छोड़िए, जो एक मूलभूत खातों की जानकारी है वो भी मेरे दिमाग में नहीं है। लेकिन एक ऊपरी तौर पर जो एक बात कही जाती थी कि सरकार एक जगह पर टैक्स लगाते, मेरा एक सुझाव है, पता नहीं आपको रास आएगा नहीं, अगर आपको लगे कि मोटी बुद्धि से भी मैंने कोई काम की बात कह दी है तो उसको दूर तक पहुंचाइएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर कोई भी वस्तु प्रोडक्ट का उत्पादन होता है सरकार उस जगह पर एक टैक्स लगाते,
उसको जो भी लगाना है 10%, 20%, 30%, जो भी लगाना है। मेरी राय यह है कि जिस स्टेट में उस वस्तु का प्रोडक्शन होता है, सरकार उस स्टेट गवर्नमेंट को उस टैक्स का अधिकांश भाग दे। इससे एक बात, एक प्रेरणा जाएगी कि राज्य सरकारें अधिक से अधिक कोशिश करेगी कि उनके स्टेट में अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगे, वहां पर अधिक से अधिक उत्पादन हो, व्यापारियों को ऐसा माहौल प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि व्यापारी जगत वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट अधिक से अधिक आ सके और वो प्रोडक्शन कर सके। तो इससे औद्योगिकीकरण की जो क्रांति है वो एक प्रतिस्पर्धा के रूप में पूरे देश में जाएगी। अब जिस स्टेट में किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, केंद्र सरकार उसका एक बड़ा भाग उस स्टेट को दे दे, बाकी का भाग अपने हिस्से में ले ले। दूसरे स्टेट में जो वो वस्तु जा रही है वहां पर उस पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगे। अलग अलग क्षेत्र के व्यापारियों को जो खाते में जो बार बार परिवर्तन करना पड़ता है, आपने कोई चीज 18 में खरीदी, आपने उस हिसाब से टैक्स दे दिया, अब किसी ने उसको 22 में बेची तो वहां पर उसकी वापस उसका टैक्स देकर के 18 से 22 के बीच का जो गैप है वो वापस उसको मिलता है। ये जो चीज है कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यापारी कह रहे हैं। मैंने जो बात कही, सरकार को एक सीधा फॉर्मूला बनाना चाहिए कि प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो हमारा मेक इन इंडिया का कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है उसमें प्रोत्साहन तब मिल सकता है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का उत्साह भी तब बन सकता है जब सरकार एक ऐसा फॉर्मूला तय कर दे कि जिस स्टेट में कोई भी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स लग रहा है उसमें सिर्फ दो पार्टनर होंगे, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार जो उस स्टेट की है जहां से वो प्रोडक्शन बन रहा है। बाकी के देश की जो भी सरकारें हैं, प्रदेश की सरकारें हैं, वो वस्तु कहीं भी जा रही है उनको उनसे कोई लाभ नहीं मिलने का। इसलिए सारे प्रदेश, सारे स्टेट इस कोशिश में लग जाएंगे कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन उनके स्टेट में हो और एक फ्रेंडली वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे जो व्यापारियों के हित के हिसाब से बनेगा, जहां पर किसी भी तरह का गुंडा टैक्स, किसी भी तरह के अफसरशाही, जो आप इंस्पेक्टर राज, वो सब खत्म हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। क्योंकि व्यापारी को लगेगा कि जिस स्टेट में उसके लिए फ्रेंडली माहौल है वो वहीं पर जाकर के अपना प्रोडक्शन का उत्पादन करेगा, अपनी फैक्ट्री वो वहीं पे लगाएगा। इसलिए जीएसटी, जिसके बारे में शुरुआत में कहा जा रहा था कि सरलीकरण है नियमों का व्यापारियों के लिए, लेकिन जी से लग रहा है जटिलता हो रही है अभी तक। और मुझे ये उम्मीद है कि व्यापारी भी इस बात को समझेंगे कि सरकार अगर एक नंबर के काम को बढ़ाने में लगी है तो व्यापारियों को भी उसमें आना चाहिए ताकि उनके मन में जो एक भय रहता है, संशय रहता है कि पता नहीं कब रेड पड़ जाए, कब कोई सरकारी अफसर आ जाए, कब उनकी गोदाम में चेकिंग हो जाए, कब उनका स्टॉक मिलान हो जाए और कब पलेंटी लग जाए। ये जो चीज़ें होती है वो रात को बहुत सुकून की नींद व्यापारी भी सो सकेंगे। और आपको एक बात बताऊं कि जब भी हम लोग इंटरव्यू लेते हैं व्यापारियों से, बहुत सारे व्यापारी ये कहते भी हैं कि हम चाहते हैं कि सारा जो काम है वो एकदम एक नंबर का काम हो, पक्का काम जिसे कहा जाता है, लेकिन वो नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते कि कुछ लोग उसी काम को दो नंबर में करते हैं और चूंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता इसलिए वो कम कीमत पर उस माल को बेचते हैं। इसलिए जो सच्चा व्यापारी है, जो सही रूप से काम करना चाहता है, वो उस प्रतिस्पर्धा में हार जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि व्यवस्था को इस तरह से व्यवस्थित करे कि जो नेक ईमानदार व्यापारी जो सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं, सरकार को जो उचित टैक्स है वो देकर के काम करना चाहते हैं, उनकी राह में वे लोग जो सरकार को टैक्स नहीं देते, ऊपरी ऊपरी काम करते हैं और प्रोडक्ट को कम कीमत पर बाजार में बेच देते हैं क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, उनकी कॉस्टिंग कम आती है। इसलिए जो नेक ईमानदार व्यापारी हैं वो उस प्रतिस्पर्धा में
टिक नहीं पाते। इसलिए सरकार को चाहिए कि जहां कड़ाई करनी है वहां कड़ाई करे, जहां सफाई करनी है वहां सफाई करे, और जहां राहत देनी है सच्चे और ईमानदार व्यापारियों को वहां पर दिल खोल कर राहत दे, ताकि व्यापारी वर्ग टेंशन में ना आए। याद रखिएगा, अगर व्यापारी वर्ग टेंशन में आ गया तो देश की जो जीडीपी की प्रगति का ग्राफ है उस पर बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आप व्यापारी से टैक्स लीजिए पर उसको टेंशन मत दीजिए। और इसी अपील के साथ मैं अपनी ये बात कहने के लिए आया था कि जीएसटी को मैं नहीं समझता, लेकिन जीएसटी के माहौल में मैं व्यापारी वर्ग के जो चेहरों को देखता हूँ, उन चेहरों को समझ रहा हूँ, उन नजरों को समझ रहा हूँ, उनके लटके हुए मुंह मुझे ये बता रहे हैं कि उन्हें जीएसटी न तो समझ में आ रहा है और रास भी नहीं आ रहा। जब तक कोई बात समझ में नहीं आएगी तब तक वो रास कैसे आएगी। इसलिए सरकार जीएसटी के पूरे खाके को बहुत सरलीकरण के माध्यम से व्यापारी तक लाए और उनको भयभीत न करे। उनको एक तरह से जो नेक और सही आदमी है, डर उन्हीं तक आता है। जो सही नहीं है उनकी हिम्मत अलग रहती है, वो डर के आगे जीत को देखते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार सबसे पहले ये कोशिश करे कि इस दायरे में सबको लाया जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग छूट जाएं और जो छूट जाएं वो सरकार को टैक्स न देने का जो अपना मार्जिन बचता है उस मार्जिन से वो गेम खेल जाते हैं, और जो सही आदमी होता है वो वहां पर प्रतिस्पर्धा में हार जाता है। इसलिए सरकार को जीएसटी लागू करने के साथ साथ व्यापारियों की समस्याओं को, कुछ ऐसी अप्रत्यक्ष समस्याएं हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। सब सहमत हैं कि एक नंबर का व्यापार हो, सब सहमत हैं कि देश से काला धन खत्म हो, और व्यापारी भी चाहते हैं कि वो सुकून की नींद सोए। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि व्यापारी से टैक्स ले लेकिन उसे टेंशन न दे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।